अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो रखिए अपना हाथ हमारे सर पर और कहिए कि अनमोल को गायब करने के पीछे आपका हाथ नहीं था। मिल गया ना जवाब? तो अब हमारा भी जवाब सुन लीजिए। हमने अनमोल को वचन दिया है कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, जिम्मेदार नहीं बन जाती, पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बन जाती, हमारे जीते जी ई नहीं हो सकता ऋषि बेटा। ये ठिगनी को इस घर से निकलना ही होगा। अगर अब भी इसे इस घर से निकलना होगा तो हमारी लाश पर से निकाल, लाश पर से निकाल, लाश पर से निकाल, लाश पर से निकाल। क्योंकि हमारे जीते जी भी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि प्राण जाए पर बचा न जाए, बचा न जाए, बचा न जाए, बचा न जाए। ऋषि आप क्या बोल रहे हैं? मरे आपके दुश्मन। गुस्से में अपना नुकसान काहे कर रही हो? खरी करने से काम मिलेगा टाटा वाली? अरे 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 क्या किया तुमने? अरे अरे अपने घर के चिराग को काहे जला रही हो? तो क्या करें? क्या करें ऐसे चिराग का? जब चिराग ही घर फूकने में तुला है तो क्या करेंगे ऐसे चिराग का, आप बताइए। टाटा वाली, तुम अपना विवेक खो रही हो। अरे गुस्से में हो और गुस्से में अपने आप से बाहर हो रही हो तुम टाटा वाली हो। तुम्हारे दिमाग के सामने हर कोई पानी मांगता है, कैसे भूल रही हो तुम ये? तो आप क्या चाह रहे हैं? क्यों बॉनी को डॉक्टर बनने दे? अब तो ऋषि भी उसको डॉक्टर बनने का वचन दे चुका है और देखिए उसका बेसर भी देखिए, हमको सुना रहा है, हमको सुना रहा है वो। शांत हो जाओ, बैठो बैठो, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे डॉक्टर बनना कोई हलवा है का? वरना दुनिया का हर आदमी डॉक्टर ना बन जाए। ऋषि ने वादा किया है ना, लेकिन जानती हो ना कि डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, और वो ठिगनी ये काबिल है नहीं, वो तो नर्स बनने के भी काबिल नहीं है। आप गलत कर रहे हैं, वो लड़की बहुत जुनूनी है और अब तो उसे ऋषि का साथ मिल गया है। हम बता रहे हैं उसका कद देख के हम उसको हल्का में ले रहे हैं। हम उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, तुम गुस्से में आकर अपने आप को हल्के में ले रही हो। अरे मत भूलो तुम टाटा वाली हो, अपना नुकसान काहे कर रही हो? टाटा वाली के पास हर चीज का हल है, सोचो इसका भी तुम्हारे पास हल है, सोचो। सही कह रहे हैं आप, गलती करती है, सोचते हैं। इसका तसलुसन निकालना पड़ेगा, दिखाते हैं उसे कि हम क्या चीज हैं।
चिट्ठियां। अरे नहीं, दोस्त का पैर नहीं छुआ जाता। सदा खुश रहो अनमोल। वहीं रुक जाओ। तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, और तुमको ये बात बार बार बताने का जरूरत काहे पड़ता है? इसीलिए हमारा पांव छूना तो दूर, हमारे आसपास भटकना भी जरूरी नहीं है। काहे कि तुम एक डेढ़ फुटिया लड़की, और एक डेढ़ फुटिया किसी के घर का बहू नहीं हो सकता, एक डेढ़ फुटिया का जगह सिर्फ सर्कस में है, किसी का घर में नहीं, और ये बात सब कान खोल के सुन लो। ये बात ना तुम्हारे माँ पापा को भी समझा दो, जो चुपके से आखिर पीछे खड़े हैं। माँ, पापा, तू ठीक तो है ना? जी पापा, हम ठीक है। चल बेटा, घर चल। ऋषि रुको, चलते हैं। चल। बहन जी माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। शादी गलत तरीके से हुआ था, लेकिन हमारी बेटी अनमोल गलत नहीं है। अभी जो आप इसके बारे में बोल रहे थे ना, वो उसका कद को देखकर उसका आकलन कर रहे थे। उसका कद को देखकर उसका आकलन मत कीजिए, उसका गुण को देख के उसका आकलन कीजिए। अब कोई बात नहीं, आपको स्वीकारना नहीं है तो अब हम भी आपको जबरदस्ती अपनी बेटी आपके पर नहीं थोपेंगे। चल बेटा, घर चल। नहीं मां, आप लोग ही तो शिक्षा दिए है ना कि एक लड़की का जिस घर में डोली जाता है उस घर से उसका आरती उठता है। हम आप दोनों का दिया हुआ शिक्षा को झुठला कर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बेटा, पर कोई तुम्हें स्वीकारना नहीं चाहता है। और बेटा, सबसे बड़ी बात है तुम्हारी सुरक्षा का, और अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम भूल गई हो क्या? और बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी ऐसे दांव पे नहीं लगा सकते।
माना कि तुम्हारा बाप पियोन है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं। एक मिनट आगे दी, देखिए अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए। क्योंकि दोनों ही तरफ से बहुत कुछ हुआ है, अनमोल हमारी पत्नी है, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन अनमोल हमारी दोस्त है, इस पर कोई विवाद नहीं है। और एक दोस्त के नाते हमने अनमोल को वचन दिया है कि वो जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती वो यहीं इसी घर में रहेगी। हाँ पापा, ये सही कह रहे हैं, ऋषि हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बस हमारा इतना सामान रख लीजिए, जब तक अनमोल डॉक्टर नहीं बन जाती उसे यहीं रहने दीजिए। आप हाथ मत जोड़िए। नमस्कार। चलते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, आप लोग कल आ जाइए। माँ, ये खुशखबरी है, नीलम के लिए एक बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। कहा? कल वो आ रहे हैं लड़के वाले नीलम को देखने के लिए। पापा, आपने हमसे एक बार पूछा तक नहीं, हमारे शादी का फैसला ले लिया, उनको बताया भी नहीं, हमको नहीं करना कोई शादी। क्या बोली? हमको शादी नहीं करना है? वाह, सबको हवा लग गया है। ये घर में आज तक अनुशासन चलता था, लेकिन अब ये घर का हर आदमी बदतमीजी पे उतर आया है। दादी, ये कोई तरीका है? ना हमसे पूछा गया, ना हमको कुछ बताया गया, सीधा लड़के वालों को बुला लिया, हमको नहीं करना कोई शादी वादी। और देखना, हम पे अगर ज्यादा प्रेशर डाला ना तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे।
नीलम घर छोड़ के भाग जाओगी तो क्या होगा, उल्टा घर का बदनाम ही होगा। और तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। आप ही बताइए हम क्या करें। एक बार मिल लो ना। देखो नीलम, माँ पापा जो करते हैं ना अपनी औलाद के लिए, अच्छा ही सोच कर करते हैं। तुमको पसंद नहीं है वो बात अलग है, लेकिन एक बार मिलने में कहाँ हर्ज है। और कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना तुम्हारा शादी करा देगा। नहीं पसंद आए तुम मना कर देना। सही बोल रही है अनमोल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ। और हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक बार मिल लो, फिर जो डिसीजन लेना है ले ले। इतना सब कुछ बना लिया? नीलम तो शादी के लिए राजी नहीं, और तुमने इतनी सारी तैयारी कर दी। शादी करना ना करना तो अलग बात है, लेकिन हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो अच्छे से करना चाहिए ना। ये अपने घर की प्रतिष्ठा का बात है। इतनी सही बात बोली। अच्छा हम कुछ मदद करा दें तुम्हारी? नहीं दादी, ये आप कहाँ कह रही हैं? हम सब कर लेंगे और लगभग सब हो ही चुका है दादी। आप बस दिलीप भैया को बोल के हॉल व्यवस्थित करवा दीजिए, हम तब तक जाके नीलम को तैयार करवा दें। जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? नहीं। अरे अभी बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर आइए। आई आई अरे आप लोग ले कह नहीं कुछ रहे हैं? गुलाब का शरबत लीजिए, यहाँ खास बनता है। अरे हमारे साले साहब का शरबत अरबत से कुछ नहीं होगा, आप इनको खाने के लिए बिल्कुल मत ललकारिए। इनका खुराक देखना है ना तो शादी में देखिएगा। सारी बारात एक तरफ और गोलू के मामा एक तरफ। ये जीजा साले का मजाक कहीं भी शुरू हो जाता। अरे जोन काम के लिए आए हैं पहले वो काम करिए ना। आपकी बिटिया कहाँ है, बुलाइए जरा। सुरीली, नीलम को लेती आना। बिठा बिठा। ये नमूना कौन है? आप हमारी बेटी को देखिए, बताइए हमारी बेटी कैसी लगी? अब पैकेट देखकर क्वालिटी का थोड़ा ही पता चलता है। क्वालिटी का मतलब है गुण, वो तो जानेंगे तभी पता चलेगा ना, है कि नहीं? उसमें तो हमारे भाई साहब एक्सपर्ट है, ये तो दो ही मिनट में बता देंगे कि लड़की कैसी है। अरे इसीलिए तो हम साले साहब को साथ में लेकर आए हैं। शुरू कीजिए अपनी एक्सरे मशीन। तो नाम क्या है आपका? नीलम। कंठ में कोनो प्रॉब्लम है का? बस कीजिए, लेकिन हमारा ननद का बेइज्जती करने का परमिशन हम किसी को नहीं दिए हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.